अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग शुरू करने जा रही हूँ मैं शाम से ही, और शाम में मैंने ये क्लिप ली थी मिट्टी के वाटर कूलर की, जिसका स्टैंड मैंने जब मैं बाहर गई थी दवाई लेने के लिए तब मैंने लिया था इसका स्टैंड। और बट इसकी टंकी लीकेज कर रही है तो मुझे इसकी टंकी चेंज करानी है, तब मैं इसे यूज़ करूँगी। अभी हो गया है शहरी का टाइम, 3:30 बज रहे हैं, रोटी मैंने बना ली है और ये दही फुल्की मेरी रखी हुई थी, रात मैंने बनाई थी। और ये मैंने चाय बना ली है, चाय को मैं एक कप में निकाल लूँगी। और चाय मैंने अपने हस्बैंड के लिए ही बनाई है, मैं चाय बहुत कम पीती हूँ। और ये चाय मैं लेकर जा रही हूँ अंदर, और अभी हम करने लगे हैं शहरी। बेटा मेरा सो रहा है कि, और चाय के साथ खाने के लिए रस मैं भूल गई थी, इसका डब्बा मैं लेने गई हूँ। और ये रस मैंने डब्बे में करके रखे हैं ताकि इनमें मॉइस्चर ना आए, और इन्हें भी मैं रख लूँगी। और अब हमने शहरी वगैरह कर ली थी और अब हो रहा था ये मॉर्निंग का टाइम, तो मैं क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह करने लगी हूँ। और अभी मैं करने लगी हूँ सबसे पहले मिरर को क्लीन, और शीशा इतना गंदा हो जाता है डेली, और बेड वगैरह को मैं क्लीन करने लगी हूँ। तो पहले सबसे पहले मैं अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी, बेडशीट वगैरह क्लियर कर लूँगी, उसके बाद में मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, जितनी भी डस्ट होती है वो नीचे आ जाती है सारी। उसके बाद मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और बेटा मेरा उठ गया था, फ्रेशन अप होने लगा था वो, और उसने ब्रश वगैरह करने लगा था, तो मैंने उसका नाश्ता भी तैयार करने रख दिया था। और अच्छे से झाड़ू मैं लगा लूँगी सारे में, दोनों रूम्स में मैंने झाड़ू लगा लिया है। और उसके बाद में ये मैंने पाइप निकाला है और इसको मैं लगा दूंगी कूलर के अंदर। कूलर में मुझे भरना था पानी जो कि ख़त्म हो गया था, तो मैं कूलर में पानी डाल रही हूँ। और ये मैंने एक बास्केट में करके रखे थे अनार, जो कि अगर जल्दी से नहीं खाए गए तो सूख जाएंगे। और ये मैं साथ साथ बर्तन भी धोने लगी हूँ, जो कि मैंने नाश्ता वगैरह रेडी किया है अपने बेटे का, तो ये इकट्ठा हो गए थे। और दूध हमारा मॉर्निंग में आता है तो उसे भी मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी, रखा हुआ है मैंने बॉईल करने के लिए दूध को। और मेरा पूरा टॉप काउंटर क्लीन हो गया है। उसके बाद में मैंने रात में, ये मेरा किचन हैंड टॉवल है जो कि मैंने सोक करके रखा था एक भगोने में, पानी में डिप करके रखा था, और उसमें मैंने विनेगर डाला था एक ढक्कन, और बेकिंग सोडा डाला था, और डिश वॉश लिक्विड सोप डाला था थोड़ा सा, और ये एकदम चमक गया था सुबह में जब मैंने इसे वॉश किया था, तो सारा गंद इसका बाहर आ गया था और इसमें से स्मेल भी निकल जाती है। मैं इसी तरह से साफ़ करती हूँ ये किचन के टॉवल सारे, और इसलिए मैं आपको दिखा रही थी कि ये कितना क्लीन हो गया है। और ये मैंने अपने बेटे का ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है, और ये इसको मैंने अनार छील कर दिए हैं और एक मैंने बनाना दिया है। और ये जैसे कि वो रस दूध में सोख करके खाता है, तो वही मैं उसे दे रही हूँ। और उसके बाद मैं लगाने लगी थी मॉप, और सबसे पहले मैंने किचन को किया था क्लीन, उसके बाद में मैं आ गई हूँ रूम में, और अब मैं रूम में अच्छे से मॉप लगा लूँगी।
और आज हम सहरी वगैरह करने के बाद में नमाज कुरान से फारिग होकर और हमारी आँख लग गई थी और हमारे बेटे का स्कूल छूट गया था, आज हम नहीं उठ पाए थे तो उसकी छुट्टी हो गई थी आज, वरना आज स्कूल ओपन थे, आज उसको भेजना था हमें स्कूल, बट अलार्म की आवाज़ भी नहीं आई हमें, तो उसका स्कूल मिस हो गया। और ये मैं वहाँ से भी क्लीन कर रही हूँ अच्छे से, जाल वगैरह को और उस बाहर के एरिया को भी वहाँ से अच्छे से क्लीन कर लूँगी, वॉश बेसिन वगैरह, और फिर पानी डालकर अच्छे से सारा मैंने साफ़ कर लिया है। उसके बाद में मैंने नहा लिया था, थोड़े से कपड़े भी धोए थे मैंने, और उसके बाद में नहा लिया था। और आप सबको जुमा मुबारक हो। और ये था मेरा फ्राइडे वाले दिन का आउटफिट, बहुत ही ज़्यादा लूज था और कंफर्टेबल था, और इसके साथ मैंने ये रेड कलर का हिजाब वेयर किया था जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये था मेरा आउटफिट, और इसकी स्लीव्स भी मैंने आपको दिखाया था ये सूट पहले भी, इसकी स्लीव्स भी बेल्ट टाइप हैं और इसमें फ्रिल हैं, ये फ्रॉक थी और उसके साथ शलवार है, और काफ़ी प्यारा ये सूट लग रहा था। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था, और आज मुझे थोड़ा कुकिंग का काम भी ज़्यादा था तो इसलिए मैंने थोड़ा लूज सा कुछ पहना है ताकि मुझे गर्मी ना लगे। और ये देखें मेरी किचन की हालत, और मैंने नमाज़ वगैरह से फारिग होकर मैं कुरान वगैरह पढ़ के पारा, और उसके बाद में मैं लग गई थी किचन में। ये आलू कट करके रखे हैं, ये पापड़ निकाल कर बाहर रखे हैं, और ये कचरी हैं, और ये छोले बॉईल करके रखे हैं, और ये पकौड़ियों के लिए बैटर रेडी करके रखा है, और ये मसूर चने की दाल बाहर निकाल के रखी है, और चावल भी बाहर निकाल कर रखे हैं मैंने, और ये सारे भगोने वगैरह मैंने निकाल के रखे हैं जो मुझे यूज़ में आने वाले हैं। कढ़ाई में मैं पकौड़ियाँ बनाऊंगी, और भगोने में मुझे बनानी है छोले की चाट, तो जल्दी से शुरू करती हूँ। और इसमें मैंने तेल डाल लिया है कढ़ाई में, और भगोने में भी मैंने थोड़ा सा तेल डाला है छोले की चाट के लिए, और तेल को मैंने अच्छे से पकाया है, और काफ़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था तेल को पकने के लिए। उसके बाद में मैंने ज़ीरा और हींग का तड़का दिया था इसमें ऑयल में, और उसके बाद मैंने चटनी डाली थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर भी इसमें ऐड किया था, और अच्छे से मैंने इसे भून लिया था, और थोड़ा सा मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला था, और उसकी कच्ची स्मेल मैंने निकाल दी थी बहुत इसको भूनने के बाद में। मैंने इसमें छोले मिक्स किए हैं काबुली चने, और थोड़े से बॉईल काबुली चने मैंने बचा लिए हैं एक बाउल में, क्योंकि थोड़े से आलू वगैरह डालकर मुझे कल बनानी है इसकी सब्ज़ी, कल या परसों तब भी मैं मेरा मन होगा तभी। मैंने थोड़े से छोले निकाल लिए हैं, थोड़े से काबुली चने निकाल लिए हैं एक साइड पर, और कुकर को मैंने एक बार अच्छे से वॉश कर लिया था, और उसके बाद में मैंने इसमें डाली है मसूर चने की दाल, और इसको मैंने अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लिया था। सारा इसमें जो वाइट कलर का पाउडर होता है वो सब निकाल के अच्छे से साफ़ कर लिया था मैंने 2 से 3 बार इसको धो के। और इसमें मैंने इलायची, एक इलायची और 2-3 लौंगे और 2-3 काली मिर्च मैंने इसमें ऐड की थी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और नमक और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाल के और कुकर को बंद कर दिया था और एक साइड पर रख दिया था। और चटनी को भी मैंने हटा के रख दिया है क्योंकि जो चीज़ें मुझे यूज़ में नहीं है वो मैंने हटा दी थी। और इसके बाद चॉप करी हुई मैंने इसमें हरी मिर्चें और प्याज और हरा धनिया इसमें डाल लिया था, और आमचूर पाउडर मैंने छोले में ऐड किया था,
और इनको हटा लिया है। और पकोड़ी के बैटर में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें भी ऐड की हैं। और ये देखिए छोले छोले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुए थे। इफ्तार के बाद जब टेस्ट किए थे तो काफ़ी अच्छा इनका टेस्ट था। और ये मैं करने लगी हूँ पकोड़ियों को फ्राई। और उधर मैंने दाल को भी चेक कर लिया था, दाल भी मेरी पककर रेडी हो गई थी, तो मैंने लो फ्लेम पे उसको छोड़ दिया था पकने के लिए। और थोड़ी सी पकौड़ियाँ बनने के बाद में मैंने इसमें डाली थी कचरियाँ, और कचरियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं जल्दी जल्दी। काफ़ी सारी कचरियाँ मैंने फ्राई की हैं। और उसके बाद मैंने फ्राई किए थे पापड़, जो कि और इन पापड़ को मैंने फोल्ड करके 4 पीसेज में डिवाइड कर दिया था, तो ये ट्रायंगल शेप में आ गए थे। मैंने छोटे पीस कर दिए थे इसके इस तरह से। और आज हमें बांटनी थी अब तैयारी पड़ोस में, जैसे कि मोस्टली बांटी जाती है, और इसलिए मैं जल्दी से ही नमाज़ वगैरह से फारिग होकर ही लग गई थी आज जल्दी इन कामों में। और काफ़ी सारी प्रिपरेशन करनी थी, इसलिए थोड़ी चीज़ें मैंने पहले से ही करके रख रखी हैं, जैसे चॉपिंग वगैरह। और चॉपिंग मेरे हस्बैंड ने करके दी है मुझे सारी, आलू प्याज हरी मिर्च हरा धनिया और बाकी सारी चीज़ें जितनी भी चॉप हुई हैं, फ्रूट्स वगैरह भी सब मेरे हस्बैंड ने चॉप किए हैं, कट की हैं। और मेरी दाल भी रेडी हो गई थी, और इधर मैं पकौड़ियाँ भी रेडी करती जा रही हूँ। और ये प्लेट हो गई थी रेडी बेचने के लिए इस तरह से। और ये मेरे हस्बैंड अब तैयारी के प्लेट्स रेडी कर रहे हैं पड़ोस में भेजने के लिए सभी के यहाँ। और उधर किचन में मैं बना के दे रही थी इनको पकौड़ियाँ वगैरह और सब चीज़ें, और इधर ये कट करके ये भेजते जा रहे थे, क्योंकि मैंने खाना भी अभी नहीं बनाया था। खाना भी मैं बना रही थी साथ में, और साथ में वहाँ पे भी उनकी हेल्प करा रही थी बीच बीच में जाके। और इसीलिए मेरी एक बैच पकौड़ी का जल गया था, ये देखें। और ये मैंने रख दिया था इनको, मैंने वहाँ कहीं किसी के यहाँ पर नहीं भेजा था, इनको मैंने अलग निकाल लिया था। और उधर मैं दाल का तड़का तैयार करने लगी हूँ, क्योंकि दाल मेरी पक चुकी थी तो मैंने तड़का भी रेडी कर लिया था। और इधर मैं पकौड़ियाँ भी रेडी कर रही हूँ, और तड़का मैंने डाल दिया है दाल में। और पकौड़ियों को बनाना होता है मीडियम फ्लेम पर, नहीं तो बहुत जल्दी जल जाती हैं और अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाती हैं वो, इसलिए मीडियम फ्लेम पर रख कर ही पकौड़ियों को अच्छे से सेका जाता है, तो वो अच्छे से अंदर तक सिक जाती हैं और क्रिस्पी भी हो जाती हैं। और ये एक और प्लेट रेडी हुआ था जिसमें पकौड़ियाँ कम थी, तो मैं जल्दी जल्दी पकौड़ियाँ भी फ्राई करते जा रही हूँ, साथ साथ में अपने हस्बैंड को देते जा रही हूँ ताकि वो प्लेट्स में लगाते रहें जल्दी जल्दी। तो आज मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा हेल्प कराई थी मेरी। इतने में खाना वगैरह ये सब चीज़ें तैयार कर रही थी, इतने उन्होंने सारी वेजिटेबल्स भी कट करके दी थी मुझे, और फ्रूट्स वगैरह भी उन्होंने ही कट किए थे। और सबके यहाँ पर अब तैयारी वगैरह भी उन्होंने ही सेट करके भेजी है। आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बहुत जल्दी जल्दी हम दोनों ने किया है, तब जाके सारे काम कंप्लीट हुए थे। और वहाँ से मैं साफ़ कर रही हूँ साथ के साथ में,
वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था क्योंकि वहाँ पर फ्रूट्स वगैरह कट हुए थे, तो सारा फर्श गंदा हो गया था वहाँ पे, सारा फर्श चिपक गया था। तो वहाँ से भी मैंने क्लीन किया है जल्दी से, रोज़े इफ्तार का टाइम हो रहा था और ये मैंने शरबत बनाने के लिए रख दिया था और चीनी वगैरह इसमें घोल दी थी, चिया सीड्स भी मैंने इसमें डाल दिए थे, बस मैंने इसमें क्यूब्स नहीं डाले थे, आइस क्यूब्स भूल गई थी मैं, और ये भी मैं इसमें डाल लूँगी जल्दी से, टाइम होने वाला था, बस सिर्फ 5 मिनट रह गए थे। और इसको मैं अंदर रख के आ गई हूँ, दस्तरखान लगा दिया था मैंने। और उसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करने लगी हूँ, सारे बर्तन जितने भी एक्स्ट्रा थे वो सब मैं सिंक में डालने के बाद मैं सारे वहाँ से छिलके वगैरह मैंने इकट्ठा किए थे वहाँ से, और जितने भी फ्रूट्स बचे हुए थे वो सब मैंने फ्रिज में रख दिए थे और वहाँ से क्लीन कर दिया था एकदम। और रोज़ा इफ्तार हमारा हो चुका था और रोज़ा इफ्तार करने के फौरन बाद मैंने जल्दी से चावल बनाने के लिए रख दिए थे। आज मैं चावल भी सोख नहीं कर पाई हूँ, वरना मैं आधा घंटे के लिए ये वाले कच्चे चावल मैं सोख करके रखती हूँ, बट आज मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं सोख नहीं कर पाई, तो मैं ऐसे ही बना लूँगी चावल। और ये कच्चे हैं तो कोई इतना वो नहीं है कि इनको ज़रूर ही सोख करना है हमें, तो मैंने जल्दी से बनाने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल छोड़ दिया था कढ़ाई में और इसमें मैं पानी ऐड करने लगी हूँ। और अगर मैं चावल को सोख नहीं करती हूँ तो थोड़ा सा 1 कप पानी मैं उसमें एक्स्ट्रा डालती हूँ, क्योंकि अगर चावल को सोख किया जाता है तो उसका कुकिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है पहले ही। तो अभी मैं 1 कप पानी अलग से ऐड कर लिया था मैंने पहले ही उसमें एक्स्ट्रा, मेजरिंग से अलग, जो कि मैं जितना डालती हूँ उससे ज़्यादा डाला था मैंने 1 कप इसमें पानी। और बस मैं इसी तरह से सिंपल राइस बनाती हूँ। और मेरे पकौड़ी का बैटर आज बच गया था काफ़ी सारा, और इसमें आलू के पीसीस भी थे और बेसन भी काफ़ी सारा बच गया था, तो प्लास्टिक रैप मेरे पास नहीं था तो मैंने एक पॉली बैग लेकर उसको अच्छे से रैप कर रही हूँ ताकि इसमें एयर ना जाए, और ये बैटर मुझे कल यूज़ करना हो तो मैं इजीली यूज़ कर पाऊँ और ये एकदम फ्रेश मिले ये मुझे बैटर, इसलिए मैंने उसको ऐसे कवर करके रख दिया है अच्छे से। और ये मैं टॉप काउंटर को कर रही हूँ क्लीन, जो कि बहुत ज़्यादा आज गंदा हो गया है, और साथ साथ मैं साफ़ भी करती रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैं हैंड टू हैंड मैंने क्लीन भी किया है फ़ौरन, जो कि मुझे आदत है बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली। मैं काम भी कर रही हूँ तभी भी मैं साफ़ करती रहती हूँ, जैसे अभी भी मुझे खाना भी बना रही हूँ मैं तभी भी मैंने क्लीन किया है, तो मुझे आदत है, गैस साफ़ होता है तभी मेरा मन करता है कुकिंग करने का, तो मैं साथ साथ क्लीन करते जाती हूँ। और मैंने सारा क्लीन करने के बाद में यहाँ से फिर अंदर से मैं थोड़ा सामान लेने चली गई हूँ, बर्तन वगैरह जो कि इफ्तार के टाइम के वहाँ पर रखे हुए हैं थोड़े से, तो मैं उनको रखने चली गई थी। और उसके बाद में मैंने यहाँ से भी साफ़ कर दिया है अच्छे से, पोछा लगा दूँगी यहाँ से भी और अंदर से भी मैंने पोछा लगा दिया है, तो मेरा रूम और यहाँ से किचन वगैरह सब मैंने क्लीन कर दिया है फिर से, और मैंने हैंड वॉश कर लिया है बाहर, अच्छे से हैंड वॉश कर लेती हूँ मैं वॉश बेसिन में जब पोछा वगैरह कुछ भी यूज़ करती हूँ मैं ऐसी चीज़। और उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ ली थी मगरिब की, और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे नमाज़ पढ़ के, और अब हम खाने लगे थे खाना, और दाल चावल और दही मैंने घर पे बना रखी थी तो वो मैंने ली थी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर दाल चावल भी रेडी हुए थे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी, अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा
और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दुआओं में मुझे याद रखें। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। Well, do 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 do